अगर किसी दिन बाय चांस आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक दिन हो जाता है या दो दिन हो जाते हैं, तो दो काम ये आप जरूर किया करें जो कि मैं वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो जो रिहैब सेंटर बनाने वाली थी उस पर आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। बस आप मेरे चैनल पर इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि मेरा सपना और आपका सपना पूरा हो जाए। देखिए, मैं उस सपने के लिए पिछले 3 साल से लगा हुआ हूँ, धीरे धीरे मेरा वो सपना पूरा होने के रास्ते पे चल रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह अगर मेरे साथ रहा तो मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा और आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। मेरा अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दोस्तों अकेले रहना सीखो। जिस दिन 8 घंटे आप अपने लिए देने लगे, जिस दिन 8 घंटे अपने लिए देने लगे, उस दिन आपकी तकदीर बदल जाएगी। सिर्फ 6 महीने के लिए आप ऐसा करके देख लो, आपकी तकदीर बदल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दिन या 4 दिन या 6 दिन या 1 महीना या 1 साल एक्सरसाइज छोड़ने के क्या क्या नुकसान हमारी बॉडी पर होते हैं, खास करके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट्स हैं, खास करके जो बेड रिडन पेशेंट है। वीडियो को पूरी जरूर देखा करें। आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं और कमेंट कर देते हैं, तो थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स करके जरूर बताया करें। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। अगर किसी दिन बाय चांस आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक दिन हो जाता है या 2 दिन हो जाते हैं, तो 2 काम ये आप जरूर किया करें जो कि मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ये जिस्म जो है मेरे रब की अमानत है, हमें इसकी हिफाजत करनी है और सच्चाई के काम करने हैं, सच बोलना है। दोस्तों, अगर हम 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये क्या नुकसान हमारे साथ में होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है, जितने भी बेड रिडन पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो खाना तो हम लोग खा ही रहे हैं ना, अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते और खाना ही खाना खाए जा रहे हैं तो हमारे गैस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बनेगा, हमारे पेट के अंदर आंतों के अंदर खाना जमने लगेगा, जिसकी वजह से हमें अल्सर वगैरह की भी परेशानी हो सकती है, मोशन के रास्ते ब्लड भी आ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना ही खाना खाते रहेंगे तो बॉडी लेथार्जिक हो सकती है, पूरे दिन थका थका आपको महसूस होगा, आपका बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपके जिस बॉडी के पार्ट में आपकी पावर है, सर्वाइकल वाले हैं, और अगर उनके हाथों में पावर है, अगर उन हाथों से आप मेहनत नहीं करते हैं तो वो और ज्यादा वीक हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे तो हाथ उठते ही नहीं है। अगर आप उन हाथों का पूरा यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, आप डेली रूटीन में जो जो काम करते हैं वो पूरे करेंगे और उसके अलावा उन हाथों के ऊपर वजन डालेंगे, वेट से भी एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। और दूसरा, इन्फेक्शन होने का पूरा पूरा चांस रहेगा। बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि खाना खाया, लेटे रहे, एक्सरसाइज की नहीं, 2-3 घंटे के बाद में अपने बारे में सोचा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चीजें देखते तो रहते हैं हम लोग, बट उसको फॉलो नहीं करते। आप जिस किसी की भी वीडियो देखते हैं, आप जिस किसी भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप उसको फॉलो भी करिए, कोशिश करिए उसको फॉलो करने के लिए, और फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट जरूर कर लिया करें। कोई भी काम ऐसा ना किया करें जिससे कि आपके कोई प्रॉब्लम हो। एक्सरसाइज हमारे लिए मस्ट है, नॉर्मल आदमी के लिए भी मस्ट है और जो पेशेंट है उनके लिए भी मस्ट है। देखिए, बेड रिडन पेशेंट जितने भी स्पाइन कॉर्ड इंजरी के हैं, चाहे उनके कैथेटर लगा हुआ है चाहे कैथेटर नहीं लगा हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको यूरिन की और मोशन की। आपके अगर कैथेटर लगा हुआ है और आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको 1 हफ्ते में, 10 दिन में कैथेटर 5 दिन में ब्लॉक हो जाएगा। वो कैथेटर ब्लॉक होने का मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप रेगुलर 3 टाइम एक्सरसाइज या 2 टाइम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और हमारा ब्लडर में यूरिन स्टोर होता रहता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी हिलेगी नहीं, तो फिर एक ही जगह काई जमती रहेगी, ब्लडर के अंदर वाइट ल्यूकस आने लगेंगे और वो यूरिन के रास्ते भी लीक भी होंगे और कैथेटर को ब्लॉक भी कर देंगे। बहुत सारे लोग फोन करके बताते हैं, कमेंट करके बताते हैं, हमारे कैथेटर फंस गया। कैथेटर फंसने का मेन रीजन भी यही है। आप ये मत सोचिए कि आपके कैथेटर लगा हुआ है तो यूरिन पास हो रहा है तो
कोई बात नहीं, यूरिन पास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो आ तो रहा है। देखिए अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं और 200 ml एक घंटे या दो घंटे में हमारा यूरिन निकल के नहीं आता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर कैथेटर के अंदर और हमारे ब्लैडर में ल्यूकस जम रहे हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद में स्टोन का रूप ले लेते हैं, पथरी का रूप ले लेते हैं। आपको 5-6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में पता चलता है कि हमारे ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया। अब उसके लिए परेशानी सबसे बड़ी पैदा हो जाती है कि फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने के बाद में आप बेड पे आ जाते हैं, आपकी एक्सरसाइज रुक जाती है और परेशानियां आपके साथ में ज्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, कैथेटर को निकाल के पेनिस के रास्ते से हटा के और ऊपर ब्लैडर में यहाँ पे होल्ड करके ना पेट में, और यहाँ से डायरेक्ट लगा देते हैं। वो और सबसे बड़ी दिक्कत है। आप ऐसे समझिए, अगर ऊपर से आपके सबसे बड़ी परेशानी हो गई आपके साथ में, अगर आपके पेट में से काट के ऊपर से कैथेटर लगा दिया जाता है, तो आप ऐसे समझिए घर के छत के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है, अगर हम उसके नीचे से जो नेचुरल तरीका है, नीचे बेस में से पानी के पाइप लगा के और पानी को यूज करते हैं, तो पानी का फ्लो तेज आता है, और अगर हम टंकी के ऊपर से पानी डाल के निकालते हैं पानी, तो पानी कम आता है। तो इसी तरह ऊपर से ब्लैडर में से होल करने के बाद में सिचुएशन आती है। ये अल्टरनेट सिस्टम होता है एमरजेंसी के लिए, तो आप कोशिश करें ऐसा ना करना पड़े, अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करें, अपने कैथेटर को मेंटेन करें और एक्सरसाइज करते रहें। नॉर्मल आदमी भी देखिए सुबह उठता है, जॉगिंग करता है, पार्क जाता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, उससे क्या होता है उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बना रहता है, उसको कोई बीमारी जल्दी से नहीं पकड़ती है और वो अपने आप को बहुत ही फिट महसूस करता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो लंबे समय तक एक्सरसाइज छोड़ देते हैं उनकी सारी मसल्स जो है, जो पावर आने वाली भी होती है ना, वो भी वेस्ट हो जाती है, मसल्स ढीली पड़ जाती है। थाई की जांघों की जो मसल्स है वो ढीली पड़ जाएंगी, पिंडलियों की मसल्स ढीली पड़ जाएंगी। अगर आपके हाथ में पावर है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये दोनों वीक हो जाएंगे, बिल्कुल लचीले हो जाएंगे, आपकी हाथ उठाने की पावर खत्म होती चली जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप कुछ समय तक एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, तो 6 महीने के बाद में हड्डियां कमजोर होनी चालू हो जाती हैं, हड्डियां डिफॉर्मेट होने लगती हैं, फिर उसके बाद में आपको कहीं से कोई वीडियो मिली और फिर आप एक्सरसाइज करने चालू करते हैं, मान लीजिए खड़े होने चालू करते हैं, तो आपकी हिप्स की हड्डी टूट सकती है, थाई की टूट सकती है, घुटने की भी स्लिप हो सकती है अपनी जगह से, आपकी एंकल की भी टूट सकती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है जो करते नहीं है। तो कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया करें, और लंबा समय अगर हो जाता है आपको एक्सरसाइज करते करते, आपने काफी समय से एक्सरसाइज नहीं किया, 2-3 साल, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो उनके क्या प्रॉब्लम आती है कि उनकी हड्डियां टूटने लगती हैं, फिर वो और 5-6 महीने के लिए बिस्तर पे आ जाते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप बिस्तर पे आ गए, सीधे लेटे रहे, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो आपके बैड सोल के भी चांसेस हो जाते हैं, बैड सोल बन जाता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते। आपका इलाज आपके खुद के पास है, आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। मैंने बताया ये जिस्म जो है ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है, और हमें ये उसकी अमानत है, और हमें इसकी हिफाजत करनी है। और हिफाजत कैसे करेंगे, अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में और ज्यादा परेशानी आ जाएंगी। इंटरनल ऑर्गन्स हमारे जो है, लीवर, गुर्दे, किडनी, ये सब काम तो करते हैं, पर नॉर्मल आदमी के जैसे 100% काम करते हैं, बेडरिडन पेशेंट के 10% ही काम करते हैं। आपको लगता है कि हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, हम ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए बिस्तर पर पड़े हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय को अगर आप बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। करते हैं अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें बस, और अपनी एक्सरसाइज के बारे में सोचें, अपने काम धंधे के बारे में सोचें, तभी आप ठीक हो सकते हैं। अब देखिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, गुर्दे, किडनी, ये सब आपके प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट है उनको एक्सरसाइज मेंटेन करके रखती है, उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना उनको कैल्शियम चाहिए, कोई भी विटामिन उनको अगर चाहिए, तो वो एक्सरसाइज से, खाना तो हम खाते हैं, जिंदा रहना है तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो उस खाने के अंदर से फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइज, जो हमारी पावरफुल चीजें हैं, उनको निकाल के हमारी बॉडी को देती है और बाकी का वेस्ट बना देती है, मोशन बना देती है। अब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आती है, उनका मोशन बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, और मोशन टाइट होने की वजह क्या है कि एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, शरीर को जब हिला ही नहीं रहे तो शरीर कहां से काम करेगा, मोशन इतना टाइट हो जाता है कि फिंगर करनी पड़ती है, फिंगर से टाइट मोशन को निकालना पड़ता है। जैसे बैठे हैं तो ऐसे ही लिया, 10-10 बार से स्टार्ट करिए, आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, आपका ट्राइसेप्स काम करेगा, पेट काम करेगा, खाना डाइजेस्ट होगा, और हिप्स की और कमर की मसल्स ठीक होंगी, कमर का बैलेंस आएगा आपका, आगे पीछे हिलिए, साइडों में हिलिए। मैं देखिए बैठे बैठे बहुत सारे लोग कहते हैं आप हिलते क्यों रहते हैं, आपको बेचैनी होती है क्या? नहीं, मुझे एक हैबिट पड़ चुकी है, क्योंकि मेरे को अपना कमर का बैलेंस जो मैं लेके आया हूँ ऊपर वाले का शुक्र है, वो इसी तरीके से लेके आया हूँ।
आप भी ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी भी बॉडी नॉर्मल होती चली जाएगी। आप अभी अगर डॉक्टर्स एक्सरसाइज करते हैं तो देखिए वो ऐसा नहीं है कि बस फटाफट उल्टी सीधी एक्सरसाइज कराई, कभी हाथ पकड़ लिया, कभी पैर पकड़ लिया, कभी खड़ा करा दिया, कभी करवट दिलवा दी, नहीं, उनका एक सिस्टम है। वो हाथ से एक्सरसाइज करनी चालू करते हैं और हाथों में सर्वाइकल वाले पेशेंटों के लिए करते हैं, अगर मान लीजिए तो हाथों से स्टार्ट करते हैं तो ट्राइसेप्स भी आ जाता है, एल्बो भी आ जाती है, रिस्ट भी आ जाती है, फिंगर भी आ जाती है, बाइसेप्स भी आता है, शोल्डर भी आता है और कमर की भी एक्सरसाइज आ जाती है। ब्रीथिंग कराते हैं, लेफ्ट राइट कराते हैं, पैरों को सीधा कराते हैं। वो सारी एक्सरसाइज इसलिए कराते हैं कि जिससे कि एक एक हमारी बॉडी की नस जो है वो पूरे शरीर से जुड़ जाए। ऐसा नहीं कि एक हाथ की कराई और दूसरा हाथ ठीक है तो उसकी करके छोड़ के चले। ऐसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो काम अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो दो काम आप जरूर किया करें, वो मैं आप बता देता हूं आपको। देखिए अगर आप पूरे दिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या चार पांच दिन, ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, दो तीन दिन जैसे डॉक्टर छुट्टी पे होते हैं तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करता हूं, पहले ये साइकिलिंग करता हूं। ये मोटराइज साइकिल मैंने ले रखी है, मेरे पास नॉर्मल वाली भी थी तो नॉर्मल वाली के लिए क्या है कि डिपेंडेंसी खत्म हो इसलिए मैंने वो साइकिल छोड़ दी, क्योंकि उसको दूसरे को चलवाना पड़ता था। अब इसमें क्या है कि ये वाली साइकिल अगर मैं चलाता हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है, खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, हिप्स के भी ज्वाइंट्स हमारे हैवी हो रहे हैं और हमारे पैरों की और पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं उनके अंदर भी न्यूरॉन्स बन रहे हैं, वो भी हैवी हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, कभी ऐसा होता है दो चार पांच दिन आपके एक्सरसाइज कराने वाला कोई फिजियोथेरेपी कराने वाला नहीं आता है, तो आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए फिलहाल अल्टरनेट में ये साइकिल चला सकते हैं। तो साइकिल अगर आप चलाएंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, आपका यूरिन भी पास होगा, ब्लैडर के अंदर स्टोन भी नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे जैसे कि खड़ा होना, देखिए खड़े होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी वजह से एक दिन या दो दिन या चार दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबके घर की कंडीशन अलग है, कोई कराने वाला है नहीं है, तो आप खड़े जरूर हुआ करें, जिस तरह से भी आप खड़े होते हैं। और ऐसा ना किया करें कि खड़े हैं तो एक एक घंटा खड़े हैं तो खड़े ही हैं बस, नहीं, खड़े होने के बाद में आपका माइंड पूरा खड़े होने वाली एक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए। अब जैसे कि मैं स्टूडियो में खड़ा हो रहा हूँ, देखिए मेरे पास अगर चार बंदे पांच बंदे खड़ा कराने के लिए नहीं है और आपके घर में 10-12 साल का आपका बच्चा है, बेटी है, बेटा है, कोई भी है, या फिर एक बड़ा आदमी है, आपकी वाइफ है, तो आप दोनों मिलके अपने पेशेंट को इस तरह से खड़ा करा सकते हैं। बस आपका माइंड पूरा वही होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाए कि हमें इस टाइम उनको खड़ा कराना है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, जो एक्सरसाइज या खड़ा कराने वाले लोग हैं उनका ध्यान पूरा वहां होना चाहिए, सारे काम छूटने चाहिए। 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप इस तरह से खड़ा करा सकते हैं। मेरा वेट भी 80 के आसपास है, 80 केजी के आसपास मेरा वेट है, फिर भी देखिए मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों मुझे इस तरह से खड़ा करा देते हैं, डॉक्टर साहब भी देखिए अकेला खड़ा करा देते हैं, जबकि मेरी कमर के अंदर पूरा बैलेंस अभी नहीं है। बस हमें चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, अगर हम उस चीज को समझ लेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक नॉर्मल होने लगेंगी। चलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर किया करें। मैं अपनी वीडियो में हर बार कहता हूँ वीडियो को लाइक किया करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप शेयर जरूर किया करें। जरूरी नहीं है कि चलते फिरते लोगों को ही आप सोचें कि चलते फिरते लोगों को हम अगर सही लोगों को शेयर करेंगे तो वो हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, हो सकता है उनके रास्ते कहीं एक जगह भी मेरी वीडियो अगर किसी पेशेंट के पास पहुंच जाती है तो वो दिल से दुआ देगा आपको भी और मुझे भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट संडे, उससे पहले ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।